दुनिया भर में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी पहल 26 अक्टूबर 1966 को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ऐलान किया कि हर साल 8 सितंबर को शिक्षा का मुकाबला करने और शिक्षा को समाज में बदलाव के औजार के तौर पर अपनाने के संकल्प के रूप में मनाया जाएगा। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार बात करें तो दुनिया भर में लगभग 77.5 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जो इतने भी साक्षर नहीं कि उन्हें पढ़ा लिखा कहा जा सके। पूरी तरह निरक्षर लोगों की संख्या इससे कई ज्यादा है। यूनेस्को की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे कम क्षेत्रीय वयस्क साक्षरता दर 58.6% है और इस निरक्षरता का कारण गंभीर गरीबी है। हर साल संयुक्त राष्ट्र विश्व साक्षरता दिवस को एक थीम के तौर पर मनाता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस साल इस मौके पर शिक्षकों की भूमिका और बदलती शिक्षा पद्धति पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र शिक्षा के मुद्दे पर कई ऑनलाइन सेमिनार भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय।